गाइस व्हाट्स अप, दिस सुभाषी भट्टाचार्य और शूटिंग। दोस्तों आज आपको बताऊंगा 2019 का फेवरेट मैन स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कैसे आएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं खास करके बताऊंगा कौन सा प्लैनेट पोजीशन चेंज कर रहा है, जॉब प्रोफेशन बिजनेस एडुकेशन मैनेज लाइफ लव लाइफ हेल्थ के बारे में, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे क्या होगा जो वीडियो अपलोड करूँगा फिर में सबका चला और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, बिल्कुल फ्री। चलिए दोस्तों फिर शुरू करते। दोस्तों सबसे पहले बताता हूँ कौन सा प्लैनेट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, कहाँ पर रह रहा है और कौन सा पोजीशन चेंज कर रहा है। दोस्तों जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस पे रहेगा, दोस्तों आपके सेकंड हाउस में शनि रहेगा पूरा महीने और शुक्र भी सेकंड हाउस पे रहेगा लेकिन 23 तारीख तक, 24 तारीख से थर्ड हाउस पे चला जाएगा। दोस्तों थर्ड हाउस पे दोस्तों केतु रहेंगे और 9th हाउस पे राहु रहेंगे। दोस्तों थर्ड हाउस पे दोस्तों सूर्य रहेंगे 12 तारीख तक, फिर दोस्तों 12 तारीख के बाद सूर्य आ जाएंगे 4th हाउस पर 13 तारीख से पूरा मंथ एंड तक। दोस्तों थर्ड हाउस पर रहेंगे बुध रहेगा 6 तारीख तक, फिर चले जाएंगे 4th हाउस पे 7 से 24 तारीख तक, 7 से 24 तारीख तक बुध, फिर बुध दोस्तों आपके 5th हाउस से चला जाएगा 24 तारीख से पूरा महीना रहेगा। दोस्तों इसके साथ साथ 5th हाउस पे मंगल रहेगा 4 तारीख हफ्ते, फिर उसके बाद दोस्तों मंगल चले जाएगा आपके 6th हाउस पे 5 तारीख से लेकर पूरा मंथ। दोस्तों तो दोस्तों ये रहा कुछ प्लैनेटरी पोजिशन। दोस्तों चंद्रमा के कारण कुछ ऐसे दिन होते हैं सबके जो मानसिक अशांति टेंशन डिप्रेशन नेगेटिव वातावरण घर में चलता है, सेहत के रिलेटेड प्रॉब्लम चलता है। दोस्तों मैं डेट आपको बता दे रहा हूँ, आप उस डेट को ध्यान रख के अपनी तबीयत के ऊपर तो अपने परिवार के ऊपर ख्याल रखो तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों 6, 7, 14, 15, 16, 24, 25 दोस्तों ये डेट है जिसको जिस समय आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। आइए बात करते बिजनेस के लिए। दोस्तों फरवरी के महीने 12 तारीख तक दोस्तों सूर्य रहेंगे 3rd हाउस में, तो इस महीने इस 12 तारीख तक आप जितना मेहनत करें जितना पराक्रम दिखाएंगे अपने काम के ऊपर उतना आपको फल मिलेगा। तो इस महीने आप बॉडी में अलग एनर्जी फील करेंगे और अगर आप लोग लोन लेकर कोई बिजनेस को बढ़ाना चाहते तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बिजनेस में कोई चेंज करने से पहले किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से एक्सपर्ट पर्सन से या फिर कुछ ऐसे कंपनी से आप बात करके फिर बिजनेस को बढ़ा लें, बिजनेस कोई बड़ा चेंज करें, छोटे मोटे आप यात्रा कर सकते हैं, बिजनेस को प्लानिंग कर सकते हैं। इस महीने आप मैं कहूँगा प्लानिंग करिए जो अगले महीने आप लोग इसको चेंज करना, आय के तो उपाय बनेंगे लेकिन उसके हाथ में पैसा नहीं टिकेगा। दोस्तों तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, पैसा कैसे रुकना है कैसे नहीं रुकना है ये आपके ऊपर है। दोस्तों आप इस महीने गोल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना मेरे लिए सही नहीं होगा मेरे ख्याल से। आप इस महीने मीडिया के जरिए से टीवी के जरिए से ऐड के माध्यम से किसी भी तरह के ऐड के माध्यम से आप इनकम को बढ़ोतरी कर सकते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट ला सकते हैं। तेल लोहा मशीनरी से रिलेटेड काम, टेक्सटाइल रिलेटेड काम, उसके साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसे बिजनेस लग्जरी आइटम सेल करने वाले बिजनेस इस महीने प्रॉफिटेबल कहेंगे। दोस्तों इस महीने आप मेहनत करेंगे बॉडी में एनर्जी आएगा, आपको नए नए उपाय मारे। दोस्तों नहीं इस समय आपको लोन देने से बचना है, दोस्तों लोन लेके काम कर सकते हैं, लोन देना आपके लिए सही नहीं होगा। दोस्तों आपके लिए 24-25 थोड़ा सा डिफिकल्ट समय हो सकता है तो आपको इस समय। दोस्तों अगर बात करूँ जॉब एंड प्रोफेशन वालों के लिए तो इस महीने आपको अपने निजी ज़िंदगी और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर दोनों को अलग रखना पड़ेगा, दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, दोनों को सही तरह से समय देना पड़ेगा। इस महीने 15 तारीख के बाद आप जॉब चेंज कर सकते हैं, बेरोजगारों को नया जॉब मिल सकता है और जो लोग ऑलरेडी जॉब करें उनके ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है। इस महीने सैलरी बनने के इंक्रीमेंट, छोटे मोटे प्रमोशन ट्रांसफ़र या फिर छोटे मोटे यात्रा करने की नौबत आ सकती है। दोस्तों तो आपको प्लानिंग करके चलनी होगी, आपको स्थितियों से थोड़ा सा दूर रहना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, फिजिकल और मेंटली जो पगड़ आप ले रहे हैं उसका सही काम कीजिए जो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। बॉस भी थपथपाएंगे, अगर बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ा है तो आप उनको जाकर कह सकते हैं या फिर कोई बात कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। इस महीने जिम्मेदारी तो बढ़ेगी तो जिम्मेदारी को निभाना आपको आना चाहिए, ऐसे हो सकता है काम के भागदौड़ी में शरीर में थोड़ा सा आप एनर्जी फील ना कर पाए, लेकिन इस महीने आप जितना पराक्रम करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, जितना मेहनत करेंगे उतना आपको इस महीने बेनिफिट मिलने के चांस है। आपकी सबसे बड़ी खामी है दोस्तों आपके टाइम मैनेजमेंट, आपकी आपकी जो आलस्यता है दोस्तों वही सबसे बड़ी आपकी नेगेटिव पॉइंट है। दोस्तों आपके लिए 12, 26, 27 तारीख आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा तो आप लोग खूब मज़े कीजिए। दोस्तों
तो आइए बात करते हैं मैरिटल लाइफ लव लाइफ के बारे में। दोस्तों अगर घर में कोई औरत है जो खुद बिजनेस करना चाहती है, खुद काम करना चाहती है, इस महीने उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। परिवार में ऐसा हो सकता है किसी बड़े जैसे आपका माँ का, जैसे आप से लेकर किसी महिला का तबीयत खराब हो सके, तो इसकी तरफ आप ध्यान दें जो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। इस महीने परिवार में छोटे मोटे नोक झोंक झगड़ा हो सकता है, इसलिए मैं कहूँगा आप अपने वाणी पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल कीजिए, सही समय पर सही बात कहे, नहीं तो चुप रहिए आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ज़्यादा गुस्सा दिखाना सही नहीं होता हमेशा, तो इस बात को आप सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना उपाय होने दोस्तों। परिवार में छोटे छोटे नोक झोंक होने के चांसेस देख रहा दोस्तों। परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होना, किसी का शादी का योग तो शादी होना, छोटे मोटे यात्रा के साथ दोस्तों धार्मिक क्रियाक्रम, धर्मस्थान, पूजा पाठ इस महीने शायद लगा पड़ा रह सकता है, जिसके कारण जो नेगेटिव वातावरण चल रहा है सही होने लगेगा। कुल मिलाकर आप लोग बहुत अच्छा फील करेंगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप पे हैं या फिर नया रिलेशनशिप पे जाना चाहते हैं, इस महीने आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। आपके लिए कुछ डेट बताओ दोस्तों, 2-3-18-17, 2-3-17-18-19, इसमें थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। ये बात करते हैं एडुकेशन वालों के लिए दोस्तों, इस महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस महीने आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। अगर आप लोग फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए इस महीने प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कॉमर्स रिलेटेड, होटल इंडस्ट्री रिलेटेड, टेक्नोलॉजी जो पढ़ाई कर रही है, इस महीने उनके लिए बहुत बढ़िया समय आएगा। पढ़ाई में तो मन बसा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होगा मन भटकने का, प्यार इश्क मोहब्बत अपोजिशन की तरफ जाना, तो ऐसे बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे जिसके कारण मन बहुत ज़्यादा भटकेगा। तो इस महीने आपको पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। छोटे मोटे वो चीज़ होना, छोटे मोटे जो वाद विवाद चल वो ख़त्म होने लगेगा। आप लोग शरीर में एक अलग एनर्जी महसूस करेंगे, तो इस एनर्जी को किस तरफ लगाना है आपके ऊपर है, पढ़ाई के या फिर किसी और काम पर। कुछ डेट बताओ दोस्तों आपके लिए, 3-18-19, इस समय आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा पढ़ाई के ऊपर। आज शनिवार मंगलवार को चोट लगने के चांसेस में देख। बात करते हैं हेल्थ और दोस्तों, इस महीने सबसे पहले सब तो आप खुद रहेंगे, आपके आदत से, आपकी नेग्लिजेंसी, आपके काम के काम बीच में छोड़ने की जो चीज़ है। इस महीने अगर लोन लेना चाहते हैं कोई किसी काम के लिए तो बहुत बढ़िया समय, लोन मत देना, आप ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। छोटे मोटे चोट लगने की या फिर सर्दी खांसी का बीमारी, पेट से प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोटापा बढ़ने का परेशानी हो सकता है, तो इसके तरफ आपको ध्यान रखना है, आपको एक्सरसाइज करना है, खुद करना है, कोई नहीं करेगा, तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी आप कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं दोस्तों। इसमें ना आपके लिए कुछ डेट बताओ दोस्तों, 11-12-27-28, इसमें आपके लिए बहुत बड़ा बढ़िया समय रहेगा, तो आप इंजॉय कीजिए दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो यहीं तक, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बोल। आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।